फिल्म आदिपुरुष के रिलीज के बाद से ही मनोज मुंतशिर काफी ज्यादा चर्चा में रहे। पहले तो डायलॉग की वजह से और फिर अपनी गलती ना मानने की वजह से मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा, जहां हाईकोर्ट ने ना सिर्फ मनोज मुंतशिर के डायलॉग्स को लताड़ा बल्कि मनोज मुंतशिर को भी काफी कुछ कहा। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी तरह इस मामले को सही साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़े वर्ग की भावनाएं आहत हुई हैं। लेकिन उसके बाद भी मनोज मुंतशिर का कोई भी ऐसा बयान या फिर ट्वीट सामने नहीं आया जिसमें उन्होंने ऐसा दिखाया हो कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है या फिर उन्होंने जनता से माफी मांगी हो। उल्टा मनोज अपने डायलॉग को सही साबित करने के लिए तमाम बहाने और बातें बनाते भी नजर आए। अब एक ट्वीट वायरल हो रहा है जो मनोज मुंतशिर के ट्विटर हैंडल से पोस्ट हुआ है। इस पोस्ट के जरिए मनोज मुंतशिर शुक्ला ने आदि पुरुष में अपने लिखे हुए डायलॉग को लेकर हाथ जोड़कर माफी मांगी है। मनोज ने लिखा कि मैं स्वीकार करता हूं कि फिल्म आदि पुरुष से जनभावनाएं आहत हुई हैं। अपने सभी भाइयों बहनों बड़ों पूज्य साधु संतों और श्री राम के भक्तों से मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। भगवान बजरंगबली हम सब पर कृपा करें, हमें एक और अटूट रहकर अपने पवित्र सनातन और महान देश की सेवा करने की शक्ति दें। आपको बता दें, रामायण पर आधारित फिल्म आदिपुरुष के डायलॉग पर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, जिसमें ऐसे डायलॉग्स लिखे गए जो पूरी तरह से टपोरी भाषा से मिलते जुलते थे। काफी ज्यादा विरोध करने के बाद फिल्म के डायलॉग को चेंज किया गया। इसके बाद भी मनोज मुंतशिर ने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जिससे लगे कि उन्हें जरा भी एहसास है कि उन्होंने किस कदर लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। इससे लोग काफी ज्यादा नाराज थे। अब मनोज का बयान आने के बाद भी लोग उनके ट्वीट पर तमाम तरह के रिप्लाईज दे रहे हैं। इस फिल्म से मेकर्स के अलावा प्रभास, कृति सेनन समेत तमाम एक्टर्स के फैंस को भी काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन फिल्म अपने 500 करोड़ के बजट के आसपास भी पैसे नहीं कमा पाई। फिल्म के जानकारों की माने तो फिल्म को करीब 200 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा होगा। और अब दूसरी तरफ जैसे ही मनोज मुंतशिर का ट्वीट वायरल हुआ है, लोग इस पर भी बातें कर रहे हैं कि अगर गलती का एहसास हो ही गया है तो फिल्म को पूरी तरह बैन कर दिया जाए, जो अब कभी भी टीवी पर ना नजर आए।